सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जियो को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जियो रिलायंस अपना फ्री सर्विसेज पे दे रहा है वो कब तक है, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों, उसकी लास्ट डेट जो है कन्फर्म हो चुकी है और रिलायंस जियो की तरफ से ये कन्फर्मेशन आ चुका है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और रिलायंस जियो से जुड़े आपके बहुत सारे सवाल और भी हो सकते हैं कि अगर आपने 99 की मेंबरशिप नहीं ली तो क्या होगा, अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो क्या होगा, या फिर आपने 303 का रिचार्ज करवा लिया है या फिर 149 का करवा लिया है तो क्या होगा, और अगर आपने आप 309 का रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो क्या होगा। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले तो इसकी डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है कि लास्ट डेट इसकी 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट फिक्स हो चुकी है और ये कन्फर्मेशन आ चुका है। तो दोस्तों, इससे पहले आप रिचार्ज करवा लीजिए। और आपको रिचार्ज कौन सा करवाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कि अगर आपने 99 का रिचार्ज जो मेंबरशिप के लिए करवाना था वो अगर आपने करवा लिया है तो फिर आपको 309 का रिचार्ज करवाना है या फिर 509, इन दोनों में से आप कोई भी रिचार्ज करवा सकते हैं। 309 के रिचार्ज में आपको मिलेगा 1 GB डेटा 4 महीने के लिए 84 डेज़ के लिए, और 509 में आपको मिलेगा रोज़ का 2 GB डेटा उसी वैलिडिटी के साथ। और अगर आपने 99 का रिचार्ज नहीं करवाया है तो आपको करवाना पड़ेगा 408, यानी कि 309 प्लस 99, ये दोनों मिला के आपको 408 का कंबाइन रिचार्ज करवाना होगा, जिसमें आपको 1 GB डेटा रोज का मिलेगा। और अगर आप ये नहीं करवाना चाहते हैं तो 509 प्लस 99 यानी कि 608 का रिचार्ज करवा लीजिए आप, तो इसमें आपको जो है 2 GB डेटा रोज का मिलेगा। ये दोस्तों, आपको दोनों रिचार्ज करवाना है 25 अप्रैल से पहले। ये तो होगी जियो जनधन की बात। और अगर आप जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो आपका जो सिम है और सर्विसेज हैं वो 25 अप्रैल के बाद बंद हो सकती है, मतलब आपकी सिम बंद भी हो सकती है। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके रिचार्ज करवा लीजिए और इसका बेनिफिट उठा लीजिए। और अगर आपने 99 का रिचार्ज आप नहीं करवाते हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं खाली 309 का रिचार्ज करवा लूँ या फिर 509 का करवा लूँ तो उससे नहीं चलेगा दोस्तों, आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी है अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो फिर आप 149 का रिचार्ज करवा लीजिए, प्राइम मेंबरशिप मत लीजिए और ओनली 149 का रिचार्ज करवा लीजिए। उसमें आपको 1 GB डेटा मिलेगा एक मंथ के लिए और अनलिमिटेड डेटा SMS वगैरह कॉलिंग वगैरह सब मिलेगा। तो 149 का रिचार्ज भी आप करवा सकते हैं अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो। अच्छा, ये होगा कि आप प्राइम मेंबरशिप के साथ में रिचार्ज करवाइए और जनधन का भी रिचार्ज करवाइए, क्योंकि अगर आप 99 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको साल भर यानी कि 31 मार्च 2018 तक आपको जो भी रिलायंस जियो नए नए अपडेट्स लाएगा, नए नए ऑफर्स लाएगा, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर जो भी रिलायंस जियो नए ऑफर्स देगा वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप करवा लें जितना जल्दी हो सके उतना। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट शेयर करना।